नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। दक्षिण भारतीय फिल्मकारों की दिलचस्पी हिंदी सिनेमा और यहां के कलाकारों में बढ़ती ही जा रही है। पहले संदीप रेड्डी वंगा, अब एसएस राजामौली, इन सभी कलाकारों फिल्मकारों ने हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार के साथ काम किया, तो वही अब एटली ने शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया है। जवान की बॉक्स ऑफिस की कमाई 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। फिल्म ने 316.16 करोड़ रुपए सोमवार तक कमा लिया है। अब इस फिल्म के निर्देशक एटली की निगाहें हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज यानी कि सलमान खान और आमिर खान पर टिकी है। दरअसल एटली से जब हाल ही में एक सवाल किया गया तो शाहरुख खान के बाद, दरअसल पत्रकारों ने एटली से सवाल किया और पूछा कि शाहरुख खान के बाद बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं तो वो आखिर बॉलीवुड के कलाकार कौन होंगे। इसके जवाब में एटली ने कहा कि वो सलमान और आमिर के साथ काम करना चाहते हैं। उनके अनुसार दोनों ही एक्टर बेहतरीन अभिनेता हैं। विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म द वैक्सीन वॉर का कल यानी कि 12 सितंबर को ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर के रिलीज इवेंट को मुंबई में आयोजित किया गया था। इस दौरान पूरी कास्ट नजर आई, एक्टर नाना पाटेकर भी शामिल रहे। इस फिल्म में नाना वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वही फिल्म डायरेक्टर ने ट्वीट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने रियल और रील साइंटिस्ट की फोटो भी शेयर की है और कैप्शन में लिखा है, डॉक्टर बलराम भार्गव महानिदेशक जिन्होंने 1.3 अरब लोगों को बचाने के लिए शानदार वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ हमारे वैक्सीन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। अक्षय कुमार और संजय दत्त की स्टारर फिल्म वेलकम 3 का 9 सितंबर को ऑफिशियल घोषणा हो गई है। अक्षय के जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म की घोषणा के लिए एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जिसमें मूवी की पूरी कास्ट नजर आई थी। हालांकि अब इस बार की वेलकम 3 में जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर नजर नहीं आने वाले हैं। नाना पाटेकर ने ना होने की वजह से उनके फैंस ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं, तो कई फैंस ऐसे भी हैं जो फिल्म की नई कास्ट से बेहद खुश दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वेलकम फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में नाना पाटेकर नजर आए थे। उनकी एक्टिंग ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। उन्होंने फिल्म में उदय शेट्टी का किरदार निभाया था जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब नाना पाटेकर ने फिल्म में ना होने को लेकर जवाब भी दिया है। एक इवेंट में नाना पाटेकर से वेलकम 3 को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने खुलकर इस सवाल का जवाब दिया। दरअसल नाना पाटेकर ने कहा कि उनको लगता है कि हम पुराने हो गए हैं। उनको लगता है से नाना पाटेकर का मतलब था कि वेलकम 3 के जो डायरेक्टर हैं, जो कास्टिंग प्रोड्यूसर हैं, उनको लगता है कि नाना पाटेकर अब पुराने हो चुके हैं, इसलिए शायद उन लोगों ने नाना पाटेकर को फिल्म का हिस्सा नहीं चुना। अब इसी के साथ ही नाना पाटेकर ने विवेक अग्निहोत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इनको लगता है कि हम अभी पुराने नहीं हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमें कास्ट कर लिया, यानी कि वो अब बात कर रहे हैं द वैक्सीन वॉर की। नाना पाटेकर ने खुलकर अपने इस सवाल का जवाब दिया और लोगों की चुप्पी साधे हुए, जो मुंह बंद करके लोग बैठे हुए थे उनके मुंह पर एक तमाचा मारा है। फुकरे फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त यानी कि फुकरे 3 बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सोमवार को इस फिल्म का पहला गाना वे फुकरे रिलीज किया गया जिसका चर्चा हर तरफ हो रही है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो छोटे कलाकार हो, चाहे वो टीवी के एक्टर्स हो, सभी फुकरे 3 के इस गाने की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म के इस गाने को लेकर सलमान खान का रिएक्शन सामने आया है जिसके जरिए वो पुलकित सम्राट की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल फुकरे 3 के टाइटल सॉन्ग में पुलकित सम्राट ने जबरदस्त डांस किया है। जी हाँ, एक्टर के डांस स्टेप इतने शानदार हैं जिनको देखकर आप भी खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे। अब इसी बीच बुधवार को सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर किया जिसमें उन्होंने फुकरे 3 के इस लेटेस्ट सॉन्ग को शेयर किया। इसके साथ ही भाईजान ने लिखा, पुलकित सम्राट बहुत लंबे अरसे से मैंने आपको इस तरह से डांस करते नहीं देखा है, ये वास्तव में काफी ज्यादा अच्छा है। फुकरे 3 के लिए तुमको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से सलमान खान ने पुलकित की फिल्म फुकरे 3 को अपनी बेस्ट विशेस दी हैं।
वैसे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हम कोई भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन, आपके लैपटॉप, आपके किसी भी सिस्टम तक पहुंच जाए।